हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ बेसिक वर्ब के बारे में। हालांकि वर्ब को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक वर्ब पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक वर्ब में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ है पहला वर्ब आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरी भाषा में बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सभी लोग जानते हैं आप। हेल्पिंग का मतलब पहले से बचपन से पढ़ रहे हैं आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वैसे दो तरह के होते हैं। हमने जैसे पहला वाला वर्ब लिखा हुआ आपका प्राइमरी वर्ब लिखा, जैसे आप देख रहे हैं प्राइमरी वर्ब स्क्रीन पे, तो मैंने प्राइमरी वर्ब लिखा हुआ है, ये आपका प्राइमरी वर्ब लिखा। प्राइमरी वर्ब में आपका पहला वाला जो वर्ब होगा वर्ब बी होगा। बी वर्ब में आपकी पाँच वर्ब होती हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया और आपका वर। आप देखते हैं इज एम आर आपका प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और वाज वर्ब किस में यूज़ करते हैं हम, पास्ट में। उसके बाद में दूसरा वर्ब जो होगा आपका सीरीज डू का होगा, डू, उसके बाद में डज, उसके बाद में आपका डिड। तो डू की सीरीज में तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू, डज और आपका डिड। डू या डज जानते हैं आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट में यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ हम करते हैं पास्ट के इंडिफिनिट में। उसके बाद में आपका हैव की सीरीज़ का वर्ब आएगा। हैव की सीरीज़ के वर्ब में आपका आएगा हैज़ और हैव, उसके बाद में आपका हैड। ये जो हैज़ और हैव है ये आप जानते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और ये हैड का यूज़ करते हैं हम पास्ट के परफेक्ट में यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, पहला जो वर्ब है आपका प्राइमरी, प्राइमरी में वर्ब बी में पांच वर्ब होती हैं, इज़ एम आर वाज वर्ब, और आपका दूसरे में डू होता है, डू में होगा आपका डू, डज और डिड। तीसरा होगा आपका हैव, उसमें होगा हैज़ और हैव और आपका हैड। तो ये आपकी प्राइमरी वर्ब हुई, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बोले या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब आगे देखते हैं दूसरा मैंने कॉलम जो लिखा हुआ आपका। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी जैसा कि आपने अभी देखा प्राइमरी में हमने बताया था आपको। अब सेकेंडरी जो होगा वर्ब आपका वो मॉडल बोलते हैं उसको, सेकेंडरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका जैसे विल हो गया आपका, विल हो गया आपका, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन और आपका कुड, और ये आपका मस्ट, उसके बाद में ऑट टू, उसके बाद में यूज टू, उसके बाद में नीड और डेयर। तो ये आपका जैसे विल तो ऐसे प्रेजेंट के सेंस में यूज़ करते हैं, इसका पास्ट वुड है, शैल का पास्ट शुड होता है, मे का पास्ट आपका माइट। इस तरह से आपका विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, और उसके बाद में यूज़ टू, उसके बाद में नीड और उसके बाद में आपका डेयर। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने जा रहा हूँ या बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सिर्फ बेसिक देखिए, उसके बाद में डिटेल में इसके बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी वर्ब होती है, सेकेंडरी वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मेन वर्ब आपका दो तरह का होता है। मेन वर्ब वो चीज़, वो वर्ब होती है जो आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कर्ता का एक्शन डिस्क्राइब करें, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब वैसे दो तरह का होता है, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं रेगुलर, और आपका दूसरा है इरेगुलर। तो रेगुलर वर्ब वो होते हैं, जैसे कि आप प्ले देख रहे हैं, प्ले का सेकेंड फॉर्म मैंने ईडी वाले फॉर्म से बनाया हुआ, दूसरा भी थर्ड फॉर्म भी आपका ईडी से बना हुआ है। तो ऐसी वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है तो उनको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, रेगुलर। और ऐसी वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म, जैसे दूसरा देखा मैंने आपका ये गो लिखा हुआ, वेंट लिखा, उसके बाद में गॉन लिखा हुआ, तो जिनका अदर पैटर्न से बनता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो वो आपका इरेगुलर वर्ब होता है। या ऐसी वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बदलता ही नहीं है, जैसे कि आपके कट कट और ये आपका थर्ड फॉर्म भी कट होगा, जैसे ड्रिंक ड्रैंक और आपका ड्रंक, ये अदर पैटर्न से बन रहा है, ये ईडी वाले फॉर्म से नहीं बन रहा है, तो इसको हम ई रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और रेगुलर वर्ब वो होती है जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपका ईडी से बनता है। और रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी बोलते हैं, वीक, और ई रेगुलर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग वर्ब बोलते हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपका ईडी से, और ईडी से बनता है, इसको आप सेकेंड फॉर्म मानो
ये सेकेंड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। और ऐसा वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये जो है ना आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया, या ऐसा पैटर्न जो बदलता ही नहीं है, तो वो आपका इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब में आता है। और जो ईडी वाले फॉर्म से बनते हैं वो किस में रहेगा, आपका रेगुलर या आपका वीक वर्ब। अब वर्ब दो तरह का और होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक फाइनाइट वर्ब मैंने लिखा है, दूसरा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, फाइनाइट वर्ब के बारे में देखते हैं। तो फाइनाइट वर्ब आपका दो तरीके का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका ट्रांजिटिव, एक आपका इंट्रांजिटिव। तो फाइनाइट वर्ब में ये दो, एक वर्ब ये है आपका ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, और एक आपका दूसरा होगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब देख रहे हैं आप, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने लिखा हुआ ही प्लेस क्रिकेट या राम राइट्स अ लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कोई भी आपका मेन वर्ब हो, जैसे कि ये प्लेस लिखा हुआ या राइट्स लिखा हुआ है। तो प्लेस जैसे लिखते हैं, ये मेन वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो वो वर्ब, ये वाली जो वर्ब है, कौन सी वर्ब हो जाएगी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, राम राइट्स अ लेटर लिखा, तो ये राइट्स मेन वर्ब के बाद में एक ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब हैं, ये वर्ब कौन सी हो गई आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें किसी भी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब के बाद में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि, जैसे आप ये मत सोच लेना कि किसी भी मेन वर्ब के बाद में कुछ दिया हो तो उसको ऑब्जेक्ट मान लो। यहाँ पर लेट दिया हुआ, ही केम लेट, यहाँ वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर लेट आपका एडवर्ब है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे लिखा ही रीच्ड ऑन टाइम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो केम और रीच्ड जो वर्ब आपको दिख रही हैं, ये आपकी कौन सी वर्ब हुई, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो प्लेज हो गया, जैसे यहाँ पर केम हो गया, यहाँ पर आपका रीच्ड हो गया। तो सीधी सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है वो मेन वर्ब बराबर ही, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसी भी मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब कौन सी होगी आपका, इंट्रांजिटिव। और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों ही वर्ब किस में आती हैं आपकी, फाइनाइट वर्ब में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब आपका तीन तरीके का होता है, आपका पहला लिखा हुआ है इन्फिनिटिव, दूसरा आपका जीरण दिया, और उसके बाद में तीसरा दिया हुआ आपका पार्टिसिपल। हालांकि पार्टिसिपल के तीन भाग होते हैं, मैंने रेड कलर से लिखा भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव जैसे दिया हुआ है, इन्फिनिटिव आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जेरेंट आपका दिया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म होता है। और पार्टिसिपल जो दिया वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और आपका हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इस आईएनजी वाले फॉर्म में जेरेंट आपका सब्जेक्ट या नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है, इसलिए जेरेंट को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोला जाता है। तो ये नाउन में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पर पार्टिसिपल में जो आईएनजी वाला फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये सब बेसिक है, हम डिटेल में भी बताएंगे या इन वीडियोज़ को बनाएंगे आपको। तो इन्फिनिटिव्स हो गया आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में जेरंड हो गया आपका आईएनजी वाला फॉर्म, और पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये कुछ था आपका वर्ब के बारे में बेसिक जो मैंने आपको बताया, इसके डिटेल की वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि कुछ लोग जो बहुत ही वीक है इंग्लिश में, तो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। Thank you so much.